नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस लेकर आए हैं, यहाँ पे आपसे मुलाकात कराते हैं रविपुरी जी से। उनसे कुछ मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि जो डाकखाने में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उसके विषय में वो क्या हमारे को जानकारी देना चाहते हैं, जनता को क्या जागरूक करना चाहते हैं। आइए मिलते हैं रविपुरी जी से। नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर जी, जो ऐसे मैंने आपको बोला कि आज जो आप अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मना रहे हैं, इसके विषय में लोगों को क्या आप जागृत करना चाहेंगे? जी मैम, अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड पोस्ट डे है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें जो कि 1873 में हुआ था, तो जिसमें वर्ल्ड पोस्ट डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो इस हमारा जो इस बार का वर्ल्ड डे पोस्ट डे है वो 150वां है। तो हमारा जो इंडिया पोस्ट है ये नेशनल वीक मनाता है, तो इसमें हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं तो जिसके हम अलग भी डेज मनाते हैं। जैसे हमने 7 तारीख को मेल डे मनाया, तो इस मेल डे में हमने कस्टमर मीट की, तो कस्टमर को हमारी स्कीम्स के बारे में उनको बताया और उनकी जो ग्रीवेंसेस थे हमने ऑन स्पॉट उनको सुनकर वहीं पे हमने उनको सेटल किया। और उसके बाद 8 तारीख को हमने फ्लैटली डे मनाया, तो फ्लैटली डे में हमने जियालाल मित्तल स्कूल और 2 स्कूल और थे जिन्होंने हमने कंपटीशन करवाया बच्चों का, राइटिंग कंपटीशन, तो जिसमें बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी देंगे। तो उसके बाद हमने 9 तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे हमारा मनाया जाता है, जिसमें हमारे तकरीबन 600 एम्प्लाई हैं, तो 600 एम्प्लाई ने सभी ने एक पेड़ माँ के नाम के लगाया और उस पे हमारे सभी एम्प्लाई ने बहुत योगदान दिया। तो उसके अलावा हमारा एक और डे आज का दिन है वो सशक्तिकरण दिवस है, वित्तीय सशक्तिकरण दिवस, जिसमें हमने आज गांव-गांव में एक कैंप लगाए हुए हैं और इन कैंपों में लोगों को बहुत सारी जानकारी दी जा रही है। सर, कितनी जगह कैंप लगाते हैं और कितने महीने बाद कैंप लगाए जाते हैं? कैंप तो हम अक्सर रोजाना लगाते हैं, जहाँ 2-3 महीने में इंटरवल पे 2-3 डेज के, लेकिन आज के जो हमारे कैंप हैं विशेष करके ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे चल रहे हैं, तो जिसमें आज की जो कैंपों की कोई लिमिट नहीं है, तो हमने जितना हमारे से बना ज्यादा से ज्यादा हमने कैंप लगाए हैं। आज जो आपने खास कैंप लगाया उसमें क्या जागृत कराया लोगों को? देखो, जो कल के थे वो कैंप आधार के कैंप थे, तो जो बच्चे जो गांव के बच्चे हैं जो नहीं आ सकते, जहाँ जो विकलांग है नहीं आ सकते, जहाँ दूर दूर नहीं आ सकते, हमने उनको डोर स्टेप पे आधार की जो सर्विस दी है और ऐसी भी सर्विस गांव में हमने दी है कि जहाँ पे कोई इलिटरेट पर्सन है जो उनको भी हमने घर घर जाके वित्तीय सशक्तिकरण में जोड़ने का मकसद अपना रखा है। सर, क्या ये कैंप गांव वास्ते ही है कि और लोगों को भी आप जागृत कर रहे हैं इसके विषय में? नहीं, इसके विषय में कैंप तो सभी के लिए, हमारे सभी कस्टमर के लिए हैं और जो मतलब कि हमारे शहर के हैं, हमारे तो रूटीन में चलते रहते हैं। जैसे कोई स्कूल्स में भी कोई हमें प्रिंसिपल जहाँ कोई अप्रोच करता है भी हमारे स्कूल में कोई आधार का कोई अपने फैसिलिटी दो, जो बच्चों को कोई स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रेन है उनको छुट्टी ना लेनी पड़े, तो हम उनको जो हमारे पास लैपटॉप किट्स हैं तो वो भी हमें अपने स्टाफ को वहाँ डिप्लॉय कर देते हैं। सर, बच्चों को आप कैंप में जैसे आप बोल रहे स्कूल में भी देते हैं, आप टीचरों को दे रहे हैं, उसके विषय में आप क्या बता रहे हो और बच्चों को क्या विषय में बता रहे हैं इसके बारे में? विषय में आधार के विषय में ऐसा है कि बच्चों का जो कल का उनके पास इंस्ट्रक्शन थी उनका जो अपडेट है मैंडेटरी किया गया है, तो बच्चों का जो टीचर्स हैं वो उनको बताते हैं कि आपका जो आधार का अपडेशन मैंडेटरी है, आपको पोस्ट ऑफिस में विजिट ना करने पड़े, उनको कोई फैसिलिटी अपने स्कूल में दी जा रही है भी बच्चों का कोई अपने स्टडी वेस्ट ना हो, तो टाइम वेस्ट ना हो। जिस तरह से हमें सर रवि सर जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, पहले तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये कैंप भी लगाए जा रहे हैं कि नहीं लगाए जा रहे। अब देखो सर जी ने जैसे बताया कि हम हर टाइम पे हर समय समय पे कैंप लगा के लोगों को जागृत कर रहे हैं, और इससे अच्छी बात क्या समझाएंगे हमें? फास्ट न्यूज इंडिया, अजय महाजन।